अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जी जी, अरे बहुत अच्छा लड़का है, हाइट भी अच्छी है, 5'10". रंग, अरे गोरा चिट्टा सफेद रखा है, और सबसे बड़ी बात, खानदानी लड़का है। जी जी, अरे बाकी बातें बैठकर आराम से होंगी। हाँ अच्छा, अब मैं रखती हूँ। जी जी जी, नमस्ते। दादी जी, ये लीजिए आपकी चाय। दादी जी बिल्कुल कड़क है आपकी तरह, पी लीजिए। ये इतना हंस हंस के किससे बात कर रही थी फोन पे, इनका कोई भरोसा नहीं है कि खुशी हमेशा दूसरों पे भारी पड़ जाती है। तानी अब क्या माच रहे? आई बड़ी शूही की हितैषी बनी पड़ती है, सुबह देखो कैसे येची की तरह चलती है। इस पलक के पैरों तले जमीन न खिसका दे तो पूनम मेरा नाम नहीं। मामी जूस। रूही, ये क्या किया तुमने? तुमसे कोई भी काम संभाल कर नहीं हो सकता है क्या? सॉरी मम्मी जी, वो गलती से। सोनी जी, आशी रूही से टकराई है, इसमें रूही की कोई गलती नहीं। ओह हाँ, मैं तो भूली गई थी, रूही से तो कोई गलती होती नहीं है, उसकी गलती किसी को दिखाई देती ही नहीं है। ओह रूही, I'm really sorry, मैंने खामा खा तुम्हें डांट दिया, I'm sorry। समर, मुझे तुम्हें एक जिम्मेदारी देनी थी। बोलिए ना भैया, क्या काम है? हमारा एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, उन्होंने हमें एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी काम दिया है, बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है। वो चाहते हैं कि हम हमारे कपड़ों में इंडियन कारीगरी के साथ साथ मॉडर्न आर्ट पेंटिंग्स को ऐड करें, जैसे बांधनी प्रिंट्स के साथ कोई दूसरा डिजाइन। तो तुम एक प्रेजेंटेशन की तैयारी करो, जिसमें कैसे कपड़े, कौन से प्रिंट, कौन से डिजाइन अच्छे लगेंगे, ये सब मेंशन करो उस पीपीटी में, और क्लाइंट को ये पीपीटी आज शाम तक चाहिए। तो तुम कर लोगे ना? हाँ भैया, मैं बना दूंगा। नहार बेटा, अगर क्लाइंट इम्पोर्टेंट है तो मुझे लगता है कि ये तुम्हें ही हैंडल करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि समर को तुम छोटी मोटी जिम्मेदारियां दे दो। वो क्या है, क्लाइंट अगर इम्पोर्टेंट है तो समर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना सही होगा क्या? हाँ ना, समर अभी थोड़ा बिजनेस में नादान है, तुम्हें क्या लगता है वो अभी संभाल पाएगा ये सब? पापा, अगर जिम्मेदारी नहीं देंगे तो वो सीखेगा कैसे, है कि नहीं छोटी माँ? आई थिंक इट्स टाइम, अब वक्त हो गया है कि वो अब काम को समझे, बिजनेस को समझे, और ऑफिस के काम को लेकर सीरियस हो जाए, है कि नहीं छोटी माँ? आप ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं ना पूरी कोशिश करूंगा कि आपको निराश ना करूं। गुड। बिना इस पलक के मेरा पिंकू कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं अपने पोते की दूसरी शादी करवाऊंगी, और इस पलक को पिंकू की जिंदगी से निकाल कर बाहर। हे खाटू जी, नहार ने समर को जो जिम्मेदारी दी है वो काम समर अच्छे से कर पाए, कोई काम बिगड़े नहीं। सोनी,
समर को लेकर इतना घबराती क्यों हो? माँ जी, मेरे लिए समर और नहर दोनों ही बराबर है। दोनों से ही मैं बहुत प्यार करती हूँ, पर आप तो जानती हैं समर पढ़ाई में कमजोर था और अब वो बिजनेस में भी थोड़ा कमजोर है। समर बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन उसे नहर की तरह बिजनेस का और दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। आप तो जानती हैं हर माँ को अपने कमजोर बच्चे की ज्यादा फिक्र होती है, इसलिए मुझे समर की थोड़ी ज्यादा फिक्र है। तुम्हें समर के लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका बड़ा भाई है जो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर रूही की वजह से रिश्तों में थोड़ी करवाहट आ गई तो इसका कुछ नहीं कह सकती। अब ये तो रीत चली आई है, जिसका पति ज्यादा कमाता है उसका ही राज घर में चलता है। अब अगर कल को वो लड़की समर की पत्नी पर रौब झाड़ेगी, या फिर हो सकता है कि वो नहार को समर के खिलाफ भड़काए। सुन, इन बातों का तुम्हें ध्यान रखना होगा। जी सक्सेना जी, आप बेफिक्र रहिए, शाम तक आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। हाँ हाँ, मेरा भाई खुद उस पे काम कर रहा है जी। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। नहार जी, एक सेकेंड। रोहित, एक सेकेंड। तीन घंटे में प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। एक ही स्लाइड बनी अभी तक ऊपर से। समर भैया, आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, आप ही कॉफी पी लीजिए और थोड़े बिस्किट खा लीजिए, आपको फ्रेश फील होगा। अभी कॉफी तो मैं पी लूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कॉफी पीने के बाद भी मेरा दिमाग काम करेगा या नहीं। मुझे ना सच में समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर को मिक्स करके अपने फैब्रिक में यूज करूं। समर भैया, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। ओह या, आप तो पेंटर है ना, अभी प्लीज मुझे बताइए ना कि मैं कैसे करूं। हाँ, एक सेकेंड।
टाइप कीजिए, मैं बता रही हूँ। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि समर अपने काम में बहुत तरक्की करे, लेकिन इस लड़की की मदद से नहीं। माफ करना समर बेटा, पर इस रिश्ते में तो फूट डालनी ही होगी। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।